नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 का एक कैमरा रिव्यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। A7 2018 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है और इसके कैमरे की वजह से ही मैंने इस फ़ोन को खरीदने का सोचा और रिव्यू करने का सोचा। एक्चुअल इस फ़ोन में आपको तीन कैमरे रियर में देखने को मिल जाएगा और सैमसंग का ये फर्स्ट ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको तीन रियर कैमरा देखने को मिलेगा। तीन रियर कैमरे का फंक्शंस आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट जो नॉर्मल कैमरा है, ये नॉर्मल कैमरा है 24 मेगापिक्सल का विथ f1.7 अपर्चर। दूसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ और ये है डेप्थ सेंसर। बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटो या फिर पोर्ट्रेट मोड वाला फोटोज कैप्चर करने में ये आपको हेल्प करेगा। और आखिरी जो कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f2.4 और ये एक वाइड एंगल कैमरा है जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री। और फ्रंट में भी आपको 24 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं गैलेक्सी A7 2018 का पिक्चर क्वालिटी कैसा है और कैसे फोटोज़ और वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं A7 2018 से। तो चलिए देख लेते हैं। डेलाइट में फोटोज़ को अगर आप देखेंगे तो फोटोज़ में कलर्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। फोटोज़ में डिटेल्स ठीक ठाक है, हालांकि फ़ोटोज़ में शार्पनेस की थोड़ी कमी है। फ़ोटोज़ को जूम करेंगे तो देख पाएंगे फ़ोटोज़ में थोड़ा शार्पनेस की कमी है। फ़ोटोज़ थोड़ा और शार्प हो सकता था। मैक्सिमम टाइम जब आप फोटो को जूम करेंगे तो फोटो को जूम करने के बाद थोड़ा ब्लरी टाइप फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। स्लाइट ब्लरीनेस है, बहुत ज़्यादा ब्लरीनेस नहीं है। ओवरऑल डिटेल की थोड़ी कमी मुझे लगा। डिटेल को छोड़ दे तो यहाँ पर कलर्स आपको बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल फ़ोटोज़ में आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपको कैमरे यूआई में सीन ऑप्टिमाइज़र एक ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली सीन को डिसाइड करके सीन के वाइज फ़ोटो को थोड़ा एनहांस कर देता है, मतलब फ़ोटोज़ के कलर्स को थोड़ा एनहांस कर देता है। पोर्ट्रेट मोड या बैकग्राउंड ब्लर वाला फ़ोटो का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट मोड ठीक ठाक काम करता है लेकिन कभी कभार ये एज डिटेक्शन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। एज कभी कभी ये थोड़ा बहुत मिस कर जाता है, इसकी वजह से कभी कभी एजेस में थोड़ा स्लाइट ब्लरीनेस आ जाता है। लेकिन ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ठीक ठाक है और पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ कैप्चर करने के बाद आप इसके बैकग्राउंड को ब्लर को एडजस्ट बाद में भी कर सकते हैं या फिर फोटो कैप्चर करते टाइम ही बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ आपको कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस मिल जाएंगे इसके पोर्ट्रेट मोड होने की वजह से, जैसे डॉली जूम इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड में जो बोके ब्लर आता है, उस बोके ब्लर के ऑप्शन को भी आप बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग 8 मेगापिक्सल जो कैमरा है, उस कैमरे से आप एक वाइड फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। वाइड फ़ोटो में आपको 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएंगे और जब भी आप नॉर्मल कैमरे से वाइड एंगल कैमरे में स्विच करेंगे तो देख पाएंगे कलर्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर डिटेल भी फ़ोटोज़ में थोड़ा कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल कैमरा। और फ़ोटोज़ को गौर से देखेंगे तो फ़ोटोज़ में एक फ़िश आई जैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि फ़िश आई इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप क्लोजली गौर से नोटिस करेंगे तो फ़िश आई इफेक्ट आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो वाइड एंगल कैमरा है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और काफ़ी टाइम जब आप बैक में नहीं जा सकते तो आप सेम जगह पर खड़े होकर बहुत सारा एक्स्ट्रा एरिया आप कवर कर सकते हैं अपने वाइड एंगल कैमरे से। मेरे पास LG का V30 है, उसमें भी वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, तो उसका वाइड एंगल थोड़ा बेटर है, स्लाइट बेटर। वहाँ पे डिस्टॉर्शन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टॉर्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ख़राब फ़ोटो देखने को नहीं लगता है। कैमरे का डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है। ऑटो HDR मोड में अगर आप फोटोज़ कैप्चर करते हैं तो वहाँ पर आपको शेडोज़ और हाईलाइट्स दोनों में ही डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। रियर कैमरे से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इमेज स्टेबिलाइजेशन या वीडियो स्टेबिलाइजेशन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं वॉक कर रहा हूँ तो वीडियो में शेक थोड़ा बहुत हो रहा है। और एक डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि 24,000 रुपीज़ पे करके भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि आजकल के 10-11 हज़ार रुपये के फ़ोन में भी अवेलेबल है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा मुझे यहाँ पे बहुत ही पसंद आया। फ्रंट कैमरे से खींचे गए फोटोज़ में डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। फ्रंट कैमरे में जो फोटोज़ है, फोटोज़ में कलर्स भी टूअर्ड नेचुरल कलर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फेस के कलर को थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है। यहाँ पर अगर फोटोज़ को देखेंगे, फोटोज़ में जो एक्चुअल में कलर दिख रहा है, मेरा कलर उतना ब्राइट नहीं है, कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो फोटोज़ में कलर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। ओवरऑल फोटो देखने में उतना आर्टिफिशियल नहीं लगता है
और फोटोज़ में उतना ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन भी अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे फोटोज़ ओवरऑल नेचुरली लगते हैं और फोटोज़ एक्चुअल में काफ़ी अच्छे देखने को लगते हैं। और फोटोज़ में अगर आप देखेंगे तो फोटोज़ का डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है, फोटोज़ में एक्सपोजर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेंगे, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि बैकग्राउंड में अगर आपका कोई सिनेरियो है तो बैकग्राउंड सिनेरियो भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा और आपका फेस भी अच्छी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। फ्रंट में से भी आप बैकग्राउंड ब्लर मोड का फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट का बैकग्राउंड ब्लर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है कंपेयर टू रियर कैमरा, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है Samsung Galaxy A7 2018 के फ्रंट कैमरे से, और फ्रंट कैमरे से आप मैक्सिमम फुल एचडी वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हैं ऑडियो भी डायरेक्टली इसके इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था Samsung Galaxy A7 2018 Samsung की तरफ से फर्स्ट 3 कैमरा वाला स्मार्टफोन, लेकिन यहाँ पे 3 कैमरा उतना कमाल नहीं कर पाया जितना एक्चुअल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फोटोज़ में डिटेल मुझे थोड़ा कम लगा, फोटोज़ का डिटेल थोड़ा और इन्हांस किया जा सकता है, हालांकि फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट से इनको फिक्स किया जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर अपडेट्स में इसका कैमरा और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।